What message would Hazure Anwar give to those who argue that women's employment outside of home goes against Islamic tradition or undermines family values? You see, ये अगर तो ज़रूरी है, अगर एक लड़की प्रोफेशनल है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, हैं, या कोई ऐसा जॉब कर रही है जो इंसानियत के लिए बेनिफिशियल है किसी भी लिहाज से, ठीक है, उसको करना चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए घर से बाहर निकल जाना और बच्चों का ख्याल ना रखना और घर का ख्याल ना रखना कि हम पैसे कमाएं और हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएं, हैं, डिसकंटेंटमेंट जहाँ पैदा ज़्यादा हो जाती है उसके लिए खामन पूरी तरह पैसे नहीं दे रहा, अव्वल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के मर्द की है। अल्लाह ताला ने हर एक की ड्यूटियाँ पूरी पूरी बयान कर दी हैं कि ये ड्यूटीज़ मर्द की हैं, ये औरत की हैं। एक औरत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसने कहा कि मर्द जो हैं वो जिहाद भी करते हैं, वो बाहर कमाते हैं पैसे, ज़्यादा चंदा भी दे देते हैं और दूसरे वैसे काम कर लेते हैं जो औरतें हम घर में बैठी हुई नहीं कर सकती, तो क्या हमें भी उसका सवाब मिलेगा? आहां दरअसल ने फरमाया कि औरतें अगर अपने घरों की निगरानी कर रही हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, तो उनको उस तरह ही सवाब मिलेगा जिस तरह एक मर्द को जिहाद करने का सवाब मिलता है। उस ज़माने में जिहाद बड़ी चीज़ थी, इस्लाम का नया नया अजरा था, दुश्मन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए हमला करते थे, इसलिए जिहाद की एक ख़ास अहमियत थी, इम्पोर्टेंस थी। तो उस औरत को सवाब आंसर ने फरमाया उतना ही मिलेगा अगर वो सही काम कर रही है। हाँ, अगर तुम, लेकिन इसी तरह औरतें जब ज़रूरत पड़ी तो इस्लाम की औरतें जंगों में भी चली गईं, पानी पिलाने के लिए, नर्सिंग करने के लिए, दूसरे काम करने के लिए, बल्कि तुम्हें हमारा के बारे में तो आता है वो जंग में तलवार लेके लड़ती भी रही। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ औरत काम कर सकती है और कोई इसमें रोक नहीं है, लेकिन सिर्फ लालच की खातिर काम करना और अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर को संभालना, बच्चों की तरबियत करना, ट्रेनिंग करना, उनकी अपब्रिंगिंग में पूरा प्रॉपर अपना रोल अदा करना, वो अगर नहीं हो रहा तो फिर औरत कसूरवार है। बाकी ट्रेडिशंस वगैरह कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक पर्दे में रह के, लेकिन इस काम भी अगर तुम बाहर कर रही हो, कोई साइंटिस्ट है, कोई ऐसा काम खोज जो ख़ास है, तो हिजाब में और पर्दे में और प्रॉपर ड्रेस में अगर कर रही हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई फैमिली वैल्यूज़ इसमें रोक नहीं आ सकते, ठीक है। असल चीज़ ये है कि तुम्हारी जो बेसिक ड्यूटी है वो तुम अदा कर रही हो। औरत जो है वो अपने घर के जो सारा सिस्टम है उसको उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ सही तरह, बच्चों की तरबियत कर रही है। ये नहीं कि बच्चे स्कूल से घर आएँ तो अम्मा घर से गायब हो और बच्चे बेचारे फ्रिज में से ब्रेड निकालें और टोस्टर में रख के सेक लें और खा के सो जाएँ और रात को 10 बजे माँ आए घर में और पता ही नहीं कि बच्चों के हाल है, स्कूल से आ रहे हैं, उनको पूछे ना कि अच्छा आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, स्कूल से वापस आके तुमने होमवर्क कर लिया कि नहीं, तुम थके हुए तो नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं और उसकी वजह से फिर माँ बाप में और बच्चों में दूरियाँ पैदा होती हैं। तो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है, बच्चों की तरबियत करना, उस एसेट को संभाल के रखना और उसको सही तरह उसकी केयर करना जो तुम्हारा जमात का भी एसेट है और कौम का भी, मुल्क का भी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखो। तो उसके साथ अगर कोई प्रोफेशनल है, इस किस्म के प्रोफेशन में डॉक्टर है, टीचर है या और कोई ऐसा प्रोफेशन, तो उसमें काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तुम्हारी ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ अगर तुम हैं कोई ऐसी, तो वो सेल्फ क्रिएटेड फैमिली वैल्यूज़ हैं, कोई उसमें इस्लामी बात वाली कोई बात नहीं है।